Hmm. Hey hi everyone and welcome back to your own class with your own host with your own dose, and with your own teacher Roma ma'am. So how many people are there? Hey good afternoon Ankitesh and good afternoon Gorav as well. Okay so we already have we are three people abhi right now. हम तीन लोग हैं ताकि तीन तीन कारक काम भी करने वाले चक्कर में नहीं हो जाएगा नहीं नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि तुम दो students होगे मैं teacher बनूँगी So शुरू करते हैं जिसमें कर sure. अभी आज की हमारी जो क्लास हमने बिगन करी वो है वन वर्ड ट्यूशन की क्लास सो so बारह बजे हम लोगों ने इसका आगाज किया और अब दो बजे हम इसको करेंगे दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन आज का हमारा लास्ट सेशन ऑन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और वन वर्ड सब्सिट्यूशन को याद रखने का काफी देर तक और उसको यूज करने का भी मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स दोनों बताए हुए हैं क्योंकि जानते क्या होता है वैसे तो ये एग्जाम वगैरह में आता ही आता है लेकिन जब आप कभी कुछ बोलते हो ना बटी जब आप आ, आ, कुछ बोलने लगते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप ये कह रहे हो कि यू नो वॉट आई लव बुक्स

लेकिन मेरे पढ़ाते वक्त, जब जब मैं मैं इसका मारती इसी उस दौरान भी आपको कोई लगे कि यार मैं इसको जितनी बार याद कर रहा हूं या कर रही हूं, ये सटक जा रहा रहा या रही ये जा है दिमाग से। उसको पकड़ के के रखने लिए सिर्फ उनी words को अपने में जगह दो बाकी अपने आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेते हैं राइट सो लेट्स नाउ लेट्स अब यहां पे शुरू करते हैं मैंने आपको क्या बोला है सबसे पहली चीज वन वर्ड सब्सटूट को ध्यान में रखने के लिए इस्तेमाल करने के लिए और देर तक इनके साथ बने रहने के लिए ये वाला portion पहले नहीं पढ़ा करो पहले ये वाला And because teacher, तो मैं ऐसे ही आपको लेकर चल रही हूं क्लास द फर्स्ट वर्ड इज कुलीग जिसे हम बोलते हैं कलीग कुग तो ये कौन होते हैं सहपाठी जो साथ में काम करने वाले होते हैं राइट right? अब ध्यान से सुनना अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो और वहां पे तुम्हारे साथी हैं तो उन्हें कहते हैं पीयर दैट इज पी ई -E आर -E उन्हें कुलीग नहीं कहते बड़ी राइट right? लेकिन अगर तुम ऐसे प्लेस पे हो जहां पे तुम अर्न कर रहे हो यानी तुम्हारा जॉब प्रोफाइल So, वहां पे बड़ी आपका निकल के आता है कुलीग सो यानी पियर इज फॉर द अर्निंग बट मैम सेंटिनेरियन वॉज डन यउट कर रही थी तो दैट इज वॉट इट केम इन टू माई माइंड चल ऐसे देख लेते हैं ना कि एक बार रिविजन हो जाएगा ऐसे कर लेते हैं विकास पटेल जी बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम वेलकम टू द क्लासेस ओके हाय वीडियोस पोयो फनी बट स्टिल हे हाय हाय वेलकम टू द क्लास ओके विजय विजय हाय विजय वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द क्लास और आप सभी के लिए जिन्होंने पहली दफा ज्वाइन किया है वी आर स्टार्टिंग अबाउट वन वर्ड सब्सटीट्यूट सो पहला वर्ड था कुलीग जिसके बारे में मैंने आपको बताया कुलीग और पियर में क्या डिफरेंस है अब हम आते हैं सेंटिनेरियन सेंटिनेरियन का मतलब होता है ये वर्ड सेंचुरी से निकल के आया हुआ था है और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी के सौ साल पूरे कर चुके होते हैं लकी पीपल अगर किसी बीमारी ने नहीं घेरा है तो नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको क्रेसी क्रेसी मतलब क्या होता है किसी एक पार्टी की तरफ आपका झुकाव उस तरह की तीन क्रेसीज के बारे में मैंने आपको बताया था एक बताया था ऑटोक्रेसी जहां पे लोग खुद ही अपनी सरकार बनाते हैं हाई प्रोफाइल के लोग खुद ही सरकार बनाते हैं और खुद ही उसको गवर्न करते हैं ऑटोक्रेसी राइट उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट्स यानी कि ऑफिशियली जो ऑफिशियल लोग हैं उसके जो वो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी और फाइनली आता है डेमोक्रेसी जो सिटीजन से रिलेटेड होता है बिकॉज हम वोट डालते हैं और अपने को वोट तो उसी को डालना है जिसने डेमो में कुछ करके दिखाया हो यानी कि इधर बोलते क्या है वो समझ नहीं आता जो करते हैं वो समझ में आता है सो so, जब हमारा वोट जाता है तो वो कहलाता है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल नॉल सी ड्रॉ एक तो ये वर्ब हो जाता है जब आप कुछ बनाते हो दूसरा ड्रॉ क्या होता है मैच ड्रॉ हो गया सबसे ज्यादा तभी इरिटेशन होती है ना नहीं कभी कभी नहीं भी होती है अगर कोई ऑपोजिट वाली पार्टी एकदम स्ट्रॉग होती है और मैच ड्रॉ हो जाता है लगता है चलो ठीक है एक पॉइंट तो मिला सेमीफाइनल में जाएगी तो ड्रॉ का मतलब होता है कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया दोनों पार्टीज में से कोई भी जीता नहीं ना एथेमोलॉजी ना एथेमोलॉजी बेसिकली मीन आई मीन ऐसे समझो जैसे व्हाट टू से ऑलॉजी का मतलब ही क्या होता है पढ़ाई बायोलॉजी जोलॉजी कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी मतलब स्पेस इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं एटमोलॉजी एटमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी शब्द का ओरिजिन कहां से आया किधर से निकल के आया है ये जो इसकी पढ़ाई करते हैं यानी कि हमने आपको पकड़ा दिया एक डॉग अब आप डॉग की जो टेल ढूंढ निकालेंगे ना ये इन्हें कहते हैं एटमो इस पढ़ाई को कहते हैं एटमोलॉजी और जो ये पढ़ाई करते हैं इन्हें कहते हैं एटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है किसी एक एरिया में किसी एक बीमारी का फैल जाना जो सब में इंफेक्टेड होती चली जा रही है ये है और दूसरा होता है पैंडेमिक जो हम सब लोगों ने झेला है हम सब लोगों ने और फिंगर्स क्रॉस जय माता दी ये दोबारा नहीं इसमें कई काफी सवाल तो मेरे दिमाग में रहते हैं सीरियसली पैंडेमिक था बट स्टिल जो भी है जैसा भी है अब ये दोबारा कभी जिंदगी में वापस नहीं किसी भी अपने पर्टिकुलर की, 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 नहीं, मतलब नहीं। right? so, एरिया में वो जो बीमारी फैली चली जा रही है फैली चली जा रही है तो लोग उस एरिया को ही यू you नो know, कर देते हैं बाइकआउट कर देते हैं बट पैंडमिक इज ऑल अबाउट इन टू कंट्री टू कंट्री नेक्स्ट वन इज एक्सटेम्पोर एक्सटेम्पोर का मतलब होता है अ एक्स्ट्रा एंपावरमेंट यानी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ऐसा जिसके लिए तुमने तैयारी नहीं की फॉर एग्जांपल जैसे uh, यार हम चाहते हैं ये तो हमको मिल रहा है ये भी अगर हमें मिल जाता हम उसके लिए तैयार नहीं है. बट यस वी आर गेटिंग इनटू द थिंग की एक्सटेम्पोर बेसिकली मींस कुछ ऐसा बोलना कोई ऐसी बात कहना जिसके लिए आपने पहले से तैयारी नहीं करी हुई है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेम पोअर नेक्स्ट इज एडिबल एडिबल मतलब जो खाने योग्य है तो जो खाने योग्य होता है उसको प्लीज मेरी जान ईटेबल नहीं है। edible कहते हैं उसे एडिबल कहते हैं ई डी आई बी एल ई इसीलिए आप किसी भी अगर ऑयल के पैकेट को देखेंगे तो उसमें लिखा होता है एडिबल ऑयल ईटेबल ऑयल नहीं लिखा होता दैट इज एडिबल यानी खाने योग्य नेक्स्ट वन एफिमिनेट अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो फिमिनेट आ रहा है यानी फेमिनिन जैसा और उसके आगे एफ भी आ रहा है तो यानी कुछ ऐसे बंदे कुछ ऐसे मैन कुछ ऐसे मर्द जिनमें फीमेल वाली क्वालिटी होती है उन्हें कहते हैं एफिमिनेट सो so, कई बार तो ये इसकी एक वजह होती है एक गहरी वजह होती है और कई बार ये बेवजह ही अनफॉर्चुनेटली एक काइंड ऑफ करके आ जाए so those people not people those men are called as feminist is there anyone good afternoon I have done to everyone I guess कोई बच्चा तो नहीं cloud nine good afternoon cloud nine and you are back good to see that you are back ma'am what is the timing of your class buddy I told you I told you buddy that uh, the timings are morning 11 यानी मेरे दिन की शुरुआत आप इलोगों से होती है सुबह 11 बजे फिर मेरे दोपहर तो की भी शुरुआत आप लोगों से होती है 12 बजे फिर मैं दोपहर को कंटिन्यू भी करती हूँ आपके साथ एक बजे फिर उसको और कंटिन्यू रखती हूँ दो बजे सो सो दिस इज मोटिवेशनल इंडियन आर्मी डिलीटेड समथिंग एनीवेज वेलकम यू टू क्लासेस और जितने लोगों ने अभी ज्वाइन किया हुआ है हम वन वर्ड सब्स पढ़ रहे हैं तो so, अभी हमने ये वाला हम एफिमिनेट तक पहुंचे एफिमिनेट बेसिकली मीन्स ऐसे मर्द जिनमें फीमेल्स का क्वालिटी होता है चाहे वो चल रहे हो या फिर वो मुस्कुरा रहे हो या फिर वो हाथों का पॉस्चर दे रहे हो इसमें देवानंद जी नहीं आते प्लीज वो उनका अपना एक अलग स्टाइल था जो बंदों वाला होता है उसे हम कहते हैं एफिमिनेट एंड इट इज रिलेटेड एंड इट इज ओनली फॉर मेल बी वेरी केयरफुल जैसे बाई था वो भी मेल के लिए था जिन्हें दो बीवियां रखने का अधिकार है उटडी अबाउट योर इकोसिस्टमेंट दैट इज कॉल्डी पहले तो ये समझ लेता है एम्बेजलिंग का मतलब होता है गबन तो एम्बेजलमेंट का बना गबन करना गबन से रिलेटेड सरकारी पैसा लेके बाद जाना गबन कर देना पैसों का नॉर्मल um, बात है घोटाला वोटाला सब

फैसला किसी के भी हक में नहीं हुआ दोनों ने पॉइंट कमाए हैं यानी जीता कोई भी नहीं हारा भी कोई नहीं एटमोलॉजी कहाजी किधर भी ऑलोजी लगा है बोले तो पढ़ाई उससे रिलेटेड एपिडेमिक किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई बीमारी जो छुआछूत जैसी है जहां से लोग अपने आप को थोड़ा सा यू नो कट ऑफ करते हैं लेकिन अगर यही बीमारी फैल करके राज्यों से फिर देशों में चली जाती है तो दैट इज कॉल्ड एज पैंडेमिक नाउ एक्सटेम्पोर कोई ऐसी स्पीच कोई ऐसी बात क्या है ना जिसके लिए आपने खुद को तैयार नहीं किया है जिंदगी में कई बार ऐसा होता है बहुत बड़े बेहतरीन वाले जो डायलॉग्स होते हैं ना वो हम लोग लगते यू ही निकल जाते हैं ऐसे कई बार लोगों को लगता है एक्सटेम्पोर का मतलब होता है कि लाइक uh, एक्सटेम्पोर like, uh, का मतलब अक्सर लोग ये लेते हैं कि कोई स्पीच है यानी आपको स्टेज मिला आपको पोडियम मिला पोडियम जानते क्या होता है जो वो लकड़ी वाला एक ऐसे नहीं रखा होता है स्टेज पे जिसपे लोग अपना पेपर रख करके रीड आउट करते हैं उसे पोडियम कहते हैं राइट तो स्पीच का मतलब वही नहीं होता डालेंगे आपको पोडियम मिला आपको स्टेज मिला हुआ है तो आप जो बोल रहे हो उसी को स्पीच कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होते स्पीच का मतलब होता है वट एवर यू स्पीक कुछ चीजें जो तुम सोच समझ के बोल रहे हो और कुछ चीजें जो तुम सोच समझ के नहीं बोल रहे हो उसे कहते हैं एक्सम पोवर नाव एडिबल खाने योग्य

लेकिन जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियस होते हैं वो क्या बोलते हैं वो उसको बरी करते हैं बॉडी को वो उनके रिलीजन में होता है उसको बरी करना तो जब वो बरी करते हैं ना तो वहां पे आपने देखा होगा ऐसे करके पत्थर सा होता है यहाँ पे बॉडी होती है दफन की हुई और यहाँ पे उनका नेम लिखा होता है फिर डेट लिखी होती है कि मतलब बर्थ क्या था और डेथ कब हुई उनकी और अगर उनकी लविंग मेमोरी में भी कुछ लिखा हुआ है तो वो भी वहां पर लिखा हुआ होता है राइट इस पत्थर पे जो लिखा हुआ है इस वाले पत्थर पे जो किसी के चले जाने के बाद वहां उनकी कब्र के पास लिखा जाता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसे कहते हैं उस लिखावट वो जो लिखा गया है उसे कहते हैं एपिटाफ उसे कहते हैं एपिटाफ लेकिन अगर कभी आपने अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखे हो तो वहां पे ऐसे डिजाइन विजाइन बनाई गई है उसे कहते हैं एनकार्व ई एन सी ए आर वी ई और अगर यही कलाकारी कपड़ों पे हो जाती है तो उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडरी आई होप ये तीनों वर्ड आप अपने रजिस्टर में किधर लिख लो नेक्स्ट वन एक्सनरेट एक्सनरेट बेसिकली मीन्स किसी को भी किसी भी ब्लेम से किसी भी आ, आरोप से बरी कर देने को कहते हैं एक्सनरेट अब यहां पे ओ नहीं बोलते एक्सोनरेट नहीं है एक्सनरेट राइट एक्सनरेट मतलब किसी को जैसे हम लोग बोलते ना यार उस पर वो इल्जाम लगा था लेकिन वो बरी हो गया वर्ड इज वो बरी हो गया He has been तो अब जरा सोच के देखो हम लोग क्या बोलते हैं यार उसको से, इल्जाम से बरी कर दिया फिर क्या होता है जब हम लोग ऐसा बोलेंगे तो सामने को क्या लगेगा भाई अपना वही लेवल ले है यार ठीक है समझ रहे कहां दुख होता है किधर लगती है जाके

एपिटाफ हैज़ डू नथिंग विद द स्पीच ये आपको आपके इंफॉर्मेशन में एक थोड़ी सी गलत बात आई है एपिटाफ का मतलब होता है वो चीज जो लिखी लिखी वाली जो बात है जो शख्स के लिए लिखी गई है चाहे वहां पे लिखा गया है माय लविंग मॉम विद लव माय मॉम या माय ब्रदर माय हस्बैंड माय वाइफ या वॉट जो कुछ भी वहां पर लिखा हुआ है उनका नाम उनके लिए कोई मैसेज uh, या फिर उनकी जो डेट होती है that is called as epitaph not the speech which is given after the death anyways i hope uh, i made it clear to you merry christmas yogeshwari thank you so much buddy thank you so much okay now next one is equestrian equestrian basically means public 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 and public horse rider हॉर्स राइडर तो कई बार हम लोग भी हो जाते हैं जब हम लोग कभी घूमने घूमने जाते देखो नॉर्थ वगैरह में घूमने चले जाओ या फिर तुम तो वेस्ट में घूमने चले जाओ कैमल हो जाएगा कैमल राइडर हो गए घोड़े पे बैठ गए हॉर्स राइडर हो गए टट्टू पे बैठ so गए टट्टू राइडर हो गए तो वो राइडर अलग होते हैं वो गोस्ट राइडर अलग है लेकिन जो घोड़े की सवारी करते हैं जो घोड़े के बाग पे बैठते हैं दो पीपल आर कॉल्ड इक्वेस्ट्रियन यानी कि अगर आप घोड़े पर बैठ करके कुछ दूर चले जाते हैं और अपने आप को महसूस करते हैं कि बस हम ही हमें बाकी कोई है ही नहीं यहाँ पे

ओके okay, लेट्स सी एपिक्योर का मतलब क्या होता है अगर आप पार्लर में जाते हैं और आपके हैंड्स आप क्लीन कराते हो ऐसे जब आप प्रिंस या प्रिंसेस जैसा फील करना चाहते हो चलो हाथ को तो साफ करो नेल्स सब सही कर दो इसे कहते हैं मेनिक्योर जब आप अपने फीट मैं आपको दिखा नहीं सकती ऐसे करके <laughs> जब आप अपने पैरों वाला सारी मालिश वाले छोड़ उसको एकदम खूबसूरत बना करके नेल पेंट लगा करके फिर हाई हील्स एंड लाइक नाउ दैट इज कॉल्ड एज ही अब एक और क्योर आ रहा है एपीक्योर एपिक्योर उन लोगों को कहा जाता है जिनका इंटिमेसी uh, में बड़ा मन लगता है मतलब रोमांटिक पीपल आई मीन दो रोमांटिक दोज पीपल आर कॉल्ड एज क्योर राइट आईओप इतना काफी है बताने के लिए नेक्स्ट इज एसेंट्रिक एसेंट्रिक का मतलब होता है सठियाए uh, लोग अक्सर इंडिया में सठियाना क्यों कहते हैं क्योंकि साठ के बाद है तो वह सठिया गए हैं लेकिन इसका एज से कोनो मतलब नहीं है बौरा तो कोई भी कभी भी सकता है राइट सो so, एसेंट्रिक का मतलब होता है जिस जो तो सा गया है इसमें इसमें कबीर सिंह नहीं आता ये कबीर सिंह इसमें नहीं आता ना ही वो राधे आते हैं बौराने वाले में कोई भी आ सकता है मतलब अरे कभी कभी भाई साहब वो सीरियसली टीज हाँ भैया एक चाय बना देना हाँ बन रही है भैया उसमें शुगर कम रखिएगा थोड़ा सा अरे क्या भाई साहब शुगर कम रखिए ये ये। वो पागल हो चुका है पूरे तरीके से तो, तो उसको देख करके जब भी कभी ऐसा कुछ होता है और मैं ये नज़ारा देख रही हूँ मेरे को समझ में आ चुका होता है अगर ये शादी है तो तो खैर नॉर्मल ही है यही होना है इसका और अगर ये एवं ही कर रहे तो इसका मतलब या सुबह से टपरी चली नहीं है या फिर जो उसने कहा था वो हुआ नहीं है ये माना नहीं गया है ओके प्लेजर प्लेजर बरकत प्लेजर नासी। एलिजिबल एलिजिबल तो हम सबको पता है एलिजिबल मतलब क्या होता है योग्य योग्य होना यानी आप में वो बात होना कि आपको फ्रेंड बनाया जाए आपको जॉब पे रखा जाए आपसे बात की जाए या फिर आपकी क्लास ली जाए तो आपके हिसाब से आई एम गोइंग टू बी एन एलिजिबल टीचर

आई एम नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं वो जनाब या मोहतरमा कौन है बट स्टिल दैट इज नॉट द राइट मीनिंग और मेरे स्टूडेंट को कोई बरगला ले जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं बता दिया ईगोस्ट ईगो यानी ईगो को क्या बोलते हैं इनमें घमंड अहंकार हिंदी वर्ड जय माता अहंकार जिन लोगों में अहंकार भरा हुआ होता है कई बार उन लोगों में भी होता है जो उस काबिल हैं एलिजिबल हैं लेकिन देखो क्या होता है ना एकदे और पैसे की गर्मी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता कुछ ऐसे होते हैं जो पगला जाते हैं तो जब वो पगला जाते हैं तो ईगोइस्ट हो जाते हैं यानी जब वो एसेंट्रिक हो जाते हैं तो ईगोइस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए हाम ही हम बाकी कोई नहीं किधर और कुछ ऐसे लोग ईगोइस्ट होते हैं जो अपने सेक्स को ही यहाँ पे सेक्स का मतलब जेंडर है सेक्स को ही ऊपर मान के चलते हैं जैसे मैं बोला ना मैं बोला मैं बोला तो मतलब वही सही है ऐसे लोगों में भी ईगो कमाल होता है ओके नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन ही मस्ट हैव टोल्ड ओके ओ आई एम सो सो सॉरी इफ दैट पर्सनल ओके योगेश्वरी साहू okay, ओके इराडिकेट इराडिकेट मतलब जड़ से किसी चीज को खत्म कर देना इराडिकेट मतलब अभी अब खत्म करो अभी से बंद करो अब बस बहुत हो गया अब पैंडेमिक का नाटक इसके खामखा की जामिंग जामिंग एंड ऑल दैट खत्म करो ये सब इराडिकेट करो ये वर्ड ही डिक्शनरी से नाउ नाउ द नेक्स्ट वन ओ माय गॉश नाउ द नेक्स्ट वन इज फास्टिडियस फास्टिडियस इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे शीशे में उतार पाना इतना आसान नहीं है फैस्टीडियर दीपुल जिन्हें इंप्रेस करना इतना आसान नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई है है तो बवाल बट सवाल कि कैसे सो so, ऐसे लोगों को कहते हैं फैसटीडिय अंग्रेजी की जबान में और जब उन्हें लोकल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव देते हैं तो उन्हें कहते हैं हॉट नेक्स्ट वन इज फैटलिस्ट फैटलिस्ट वो होते हैं जो किस्मत के भरोसे होते हैं उन्हें कर्म पे विश्वास नहीं होता अपने पर विश्वास नहीं होता उनको लगता है किस्मत होगी तो मिल जाएगा आर इसको आप याद याद कर सकते हैं फेट नेक्स्ट इज फ्रेट्रीसाइड फ्रेट्रीसाइड मतलब ब्रदर की हत्या करना भाई की हत्या करने को कहते हैं फ्रेट्रीसाइड जैसे पैट्रीसाइड फादर मैट्रीसाइड मदर सो दिस इज इज्रीसाइड सॉरी फैट्रीसाइड एंड अनदर इज फैटल घातक जैसे इस समय पैंडमिक्स में जब ये मनुष्य बीमारी आई है तो ये क्या थी दिस वॉज एवरी वन बट इन हम में से कई ऐसे लोग अम, we, all of us, हम सब लोग, हमने fight back किया और फाइनली हम एक साथ हैं यहाँ पे राइट टच फुट एंड ऑलवेज बी सो एवरी वन आम रिपीटिंग वो स्टोन जहां पे लिखा होता है

एलिजिबल योग्य सनक्युर योग्य एक साथ लिखा है ईगोइस्ट आ ऐसे वाले जिनका अहंकार ही नहीं खत्म हो रहा इरैडिकेट ऐसे लोगों को दफा करो खत्म कर, कर दो या भगाती कदम कर दो फास्टेरियस आ ऐसे लोगों को आ हां हां इंप्रेस करना इतना इजी नहीं है सैटेलिस्ट किस्मत में हुई तो हो जाता है फ्रैट्रिसाइड ब्रदर की हत्या करना

सीरियसली सो So everybody, दिस was it. आज के लिए यानी 24 दिसंबर 2021 के लिए आज के सेशन के लिए इतना ही ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो तो प्लीज बेबी जस्ट गो एंड रिवाइज इट और जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से रिवाइज करो और जब भी आप किसी भी वर्ड की मीनिंग ले रहे हो ना ट्राई टू हैव दैट इन योर पर्सनैलिटी एज वेल फॉर द मोमेंट उसको एक्ट आउट कर लो दो सेकेंड के लिए ट्रस्ट मी वो इधर रह जाता है और जो नहीं रहता वही है वो चुरा जिसको लिखने की जरूरत है तो तुम्हें कॉपी में आपने कॉपी में हर किसी को कॉपी में जिंदगी में दिमाग में दिल में हर किसी को जगह नहीं दीजिए जो जरूरी है उन्हीं को रखिए ताकि जब आप देखें तो आपकी मुलाकात तुरंत हो सके so, इसके पहले कि मैं यहां से जाऊं आपको बाय बोलू फॉर अ हैप्पी वीकेंड हियर आई एम सेइंग ऑल ऑफ यू मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू अ वेरी मैरी क्रिसमस टू एवरी आप सबके लिए ये क्रिसमस डे सारी खुशियां लेके आए आप सब कुछ जो चाहते हो आपको मिल जाए यू रियली डिजर्व इट सो आई होप मेरा मेरी क्रिसमस अभी तक मेरे पास नहीं आया है सो आई नीड टू हैव माय मेरी क्रिसमस एवरीवन कैन आई गेट दोस ब्लेसिंग्स प्लीज आई एम वेटिंग फॉर इट एवरीबॉडी मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन कीप स्माइलिंग एवरीवन नेक्स्ट आवर क्लास इज गोइंग टू बी ऑन मंडे एट 11 एएम टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एवरीबॉडी जस्ट हैव अ ब्लास्ट Enjoy your weekends. Thank God Christmas. Saturday ko hai. Saturday night and Sunday morning. Have party hard. Take care everyone. Meet you on Monday. Till then. Bye. Merry Christmas once again.